एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन देसी लेंस। आई होप आपने हमारी पिछली वीडियो जो कि कोलोसियम की थी वो देखी होगी एंड आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। अब हम आपको लेके जा रहे हैं रोमन फोरम एंड वैलेंटाइन हिल जो कि हमारे एकदम पीछे है। व्हाट यू सी बिहाइंड मी इज़ द आर्क ऑफ टिटियस जो कि बहुत ही साल पहले रोमन्स ने बनाई थी। सो रोमन्स वर वेरी डिक्टेटर काइंड ऑफ पीपल एंड दे वर थिंकिंग दैट एम्परर इज ऑल्सो लाइक अ गॉड, बट जो ज्यूइश थे दे वर रिवोल्टिंग अगेंस्ट दैट। सो आफ्टर दैट दे किल्ड अ लॉट ऑफ ज्यूज एंड जो स्लेव्स बचे थे उनकी विक्ट्री के लिए उन्होंने ये वाली आर्क ऑफ टिटियस बनाई थी। पार्ट ऑफ रोमन फोरम व्हाट यू सी बिहाइंड मी ये जो थ्री रूम्स हैं दीज आर वेरी फेमस। यहाँ पे लोग जो थे वो सीजर के पास आते थे विद ऑल हिज ऑल देयर प्रॉब्लम्स एंड अगर कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव होता था वो इस एरिया में होता था। दिस इज सो बिग, सो ह्यूज एंड सो ब्यूटीफुल। Behind me is the temple of Antonius Pius and Faustina. Faustina was the wife of Antonius Pius and this was a temple built in their memory. And now it is inhabited by a church like most of the places which were built in that time are now part of the churches in Rome. वैलेंटाइन हिल्स इट इज सो ब्यूटिफुल। वॉट यू सी बिहाइंड मी इज अ फाउंटेन एंड इसका पानी इतना ज़्यादा क्लियर है। देयर आर ऑल्सो सम फिशेस इनसाइड, इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल। This part of Valentine Hill is really beautiful and you can get an amazing view of the city of Rome from here. And if you see right all around us are the trees which were very important to the Rome, jaise ki oranges ya olives and grapes jo ki us time pe bahut hi zyada importance rakhte the Rome ki culture ke liye. And
वैलेंटीन हिल्स एक बहुत ही बड़ा एरिया है, सो व्हेन यू कम है आपको 1 से 2 घंटे कम से कम लग सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लिया है और हम जा रहे हैं अब बाहर। आपको अगर देखना है हम और क्या क्या करते हैं उसके लिए कीप ट्यून फॉर आर नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप शेयरिंग योर लव। बाय।